मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत सारे जगह प्रभु के वचनों को शेयर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है और उसे फिल्मों के द्वारा भी लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है फिल्मों के द्वारा भी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आइए हम देखेंगे धर्मेंद्र सिंह का एक वीडियो जिसमें कि वो एक्टिंग करते हुए प्रभु के वचनों को लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये वचन है संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या जब हम 16 से पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और वो पूछता है कि प्रभु हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूँ, मैं क्या करूँ। तो प्रभु यीशु उनको उत्तर देता है, तुम मुझसे भले के विषय में क्या पूछते हो, यदि तुम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, वह व्यक्ति जो था प्रभु यीशु से पूछ रहा था, उसने पूछा कौन सी आज्ञा। ईसा ने कहा मूसा के संहिता में जितने भी आज्ञाएं लिखा है वो 10 आज्ञाएं पालन करो तो स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करोगे। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं बचपन से लेकर अभी तक मैंने सारी आज्ञाओं का ठीक ठीक पालन किया है। तो प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तो वह व्यक्ति उदास हो जाता है और वह व्यक्ति उदास होकर प्रभु यीशु के पास से चला जाता है। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कह सकता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आइए हम उसी वीडियो क्लिप को दिखाते हैं कि धर्मेंद्र सिंह किस तरह से लोगों को बताते हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस सुई में जो छेद है इसमें से मेरा मित्र प्रेम प्रकाश आसानी से निकल सकता है। गुरु क्या कह रहे हो? मैं? हाँ, ये असंभव बात भी संभव हो सकती है। प्रेम तो क्या हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं।